नमस्कार दोस्तों, कभी एक और एक ग्यारह बन जाते हैं तो कभी दो और दो पांच कहलाते हैं। यह तो वो गणित है जिसका सरोकार आम आदमी से है। और राजनीति की बात करें तो यहां तो गणित भी अपना गणित भूल जाता है। राजनीति की भूल भलाइयों में फॉर्मूले तो पता नहीं कहां खो जाते हैं। यहां राज तो खूब चलता है लेकिन नीति का कुछ पता नहीं चलता। ये वो क्षेत्र है जहां के नियम कायदे कानून हर बार हालात के साथ नए नजर आते हैं। हरियाणा की राजनीति की शतरंज पर अभी तक जो चालें चली गई, इन पासों की चाल दर चाल की कहानी का ही नाम है ये शो मुख्यमंत्री। सन 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ऐसे समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने जब पिछली सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। इसीलिए राज्य को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए उन्हें कई कठोर एवं अलोकप्रिय कदम उठाने पड़े। वैट लगाने की वजह से बदनामी तो उनके को लगी, उनके खिलाफ प्रचार तो हुआ, पर प्रदेश को अगर कोई सबसे ज्यादा पैसा मिला तो वैट से मिला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के इस कार्यकाल में हरियाणा का सर्वांगीण विकास हुआ। अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई। पता चल जाता है अगर ये काम ना हुआ, टाइम सिर ना हुआ और समयबद्ध ना हुआ तो चौटाला साहब माफ नहीं करेंगे। उनको अपनी चिंता कम रहती थी, उनको प्रदेश के लोगों की चिंता हमेशा ज्यादा रही। लोगों ने कहा वेट हटा दो, बोला नहीं, हम अपने वोट के लिए फाइनेंशियल नुकसान नहीं करेंगे स्टेट को। लेकिन जब 2005 में विधानसभा चुनाव हुए तो विकास कार्यों और ग्रामीण जनता में अपनी मजबूत पकड़ के बावजूद इंडियन नेशनल लोक दल की मुट्ठी से जीत फिसल गई। और अब आगे, सन 2005 के विधानसभा के चुनाव कांग्रेस ने चौधरी भजन लाल को आगे रखकर लड़े थे। उनके नाम पर गैर जाटों के वोट भी हासिल किए थे। लेकिन जब इनका नेता यानी मुख्यमंत्री चुनने की बात आई तो केंद्रीय पर्यवेक्षक ने एक एक करके हरियाणा कांग्रेस के हर सांसद और विधायक को अलग से बुलाया और उनकी राय पूछी। और इस पूछताछ के बाद घोषित कर दिया गया कि सिर्फ भजन लाल के अपने बेटे को छोड़कर बाकी सभी विधायक और सांसद किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है। जबकि भजन लाल का दावा था कि 65 में से 46 विधायक उनके साथ थे। खैर, मैडम का संदेशा आया, चौधरी भजन लाल उनसे मिलने गए और इसी के साथ ही राजनीति के मास्टर चौधरी भजन लाल का राजनीतिक कैरियर केंद्र के एक ही स्ट्रोक में खत्म हो गया। उन्हें शांत रखने के लिए उनके बेटे चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। शायद कांग्रेस के सामने अब दूसरी चुनौती थी। चौधरी भजन लाल ने गैर जाटों के एक बड़े वर्ग को तो कांग्रेस का वोट बैंक बना दिया था, लेकिन उनकी गैर जाट राजनीति की वजह से जाट अभी तक कांग्रेस से जुड़ नहीं पाए थे। और जाटों में चौटाला परिवार का वर्चस्व तोड़ने के लिए कांग्रेस ने इस बार किसी जाट को ही मुख्यमंत्री बनाने का पासा फेंका। वैसे तो अभी तक चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस की जरूरत में एकदम फिट बैठते थे, लेकिन उनका नंबर आता उससे पहले ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पद पर छलांग लगा दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये नाम भले ही हरियाणा की राजनीति में एकदम नया था लेकिन उनके पिता का नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणदीप सिंह हुड्डा कांग्रेस के पुराने और वफादार सिपाही रहे थे। उन्हें तो एक बार हरियाणा का मुख्यमंत्री पद भी ऑफर किया गया था लेकिन तब उन्होंने उसके लिए साफ मना कर दिया था। चौधरी रणदीप सिंह हुड्डा की भले ही मुख्यमंत्री बनने की कोई ख्वाहिश नहीं थी लेकिन उनके बेटे ने यह अरमान बहुत पहले ही अपने मन में पाल लिया था और उसी हिसाब से चुपके चुपके वो गांधी परिवार से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे थे। और आखिर में घोड़े की तरह ढाई चाल चलकर उन्होंने सीधे राजा को चेकमेट दे दिया और खुद उनकी जगह राजा बन गए। मनूवरिंग कैपेसिटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यह मानना पड़ेगा बड़ी है। गांठ लिया और नतीजा ये हुआ कि भजन लाल को खोटे लगा दिया और स्वयं
चीफ मिनिस्टर बनने में कामयाब होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब से मुख्यमंत्री बने हैं, मैंने बहुत कोशिश करी कि पता करूं क्या क्या उद्योग लगे, परंतु कोई उद्योग लगा नहीं, कोई निवेश आया नहीं, कोई किसी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट मिली नहीं। अगर भजन लाल का रिकॉर्ड तोड़ा है भ्रष्टाचार में, तो वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसने मौन रहकर, चुप रहकर आम किसान को मुस्कुरा मुस्कुरा के, बिल्कुल जिसे मैं कहूंगा कि बिल्कुल ऐसा कर दिया बर्बाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए तो हरियाणा कांग्रेस की राजनीति के कई बड़े नाम अंधेरों में खो गए। चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह को उन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल करके शांत कर दिया, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भी खामोश रहे और चौधरी भजन लाल भी। लेकिन भजन लाल का छोटा बेटा कुलदीप बिश्नोई नहीं, वो हर कदम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करता रहा और फिर 2007 में उसने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा हरियाणा जनहित पार्टी। चौधरी भजन लाल राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे और उनके बेटे कुलदीप को अपने पिता की राजनीति पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि गैर जाटों में उनके पिता की पकड़ काफी मजबूत थी, जबकि दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा ध्यान सिर्फ जाटों को खुश करने पर था, ताकि उन्हें इंडियन नेशनल लोकदल से तोड़ा जा सके। और उनकी राजनीति अपना असर भी दिखा रही थी, जिसकी वजह से जाट भी अब बढ़ चुके थे। ऐसे मौके पर कुलदीप समझ चुके थे कि अगर वो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो जहां जाटों के वोट बंट जाने हैं, वहीं गैर जाटों के वोट उन्हें मिल सकते हैं। कुलदीप तो अपने इस काम में लगे रहे, लेकिन उन्हीं दिनों कुलदीप के बड़े भाई और चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन की प्रेम कहानी ने उनका सारा गणित फेल कर दिया। जिन दिनों कुलदीप और भजनलाल ने कांग्रेस पार्टी को विदा किया था, उनके बेटे चंद्रमोहन ने हुड्डा सरकार में बने रहना ही ठीक समझा था। उस वक्त उनका ध्यान कहां था? शायद कहीं और था। मैं पिछले 3 दिन से चंडीगढ़ में हूं और तुम अब मिलने के लिए आई हो। कब तक हम यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? जब तक आसमान में चांद सितारे हैं तब तक। और तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? लेकिन शादी भी तो नहीं कर रहे ना अनु। शादी कोई प्यार करने का सर्टिफिकेट थोड़ी होता है। प्यार होता है तो होता है, और वो है। लेकिन प्यार वही अच्छा लगता है जिसकी लोगों की दिलों में इज्जत हो। अनु, अब 2 दिन में मेरा डिवोर्स तो नहीं हो सकता, ये तो तुम्हें भी पता है। आप अप्लाई करोगे तभी तो मिलेगा ना। होगा, सब होगा। मौका मौका तो लगने दो, आखिर जज को भी तो कोई कारण बताना पड़ेगा ना। और जाने मन, आप तो वकील साहब हैं, आपको तो पता है। तभी तो कह रही हूँ कि हमें पति पत्नी बनने में आपको सीमा को डिवोर्स भी नहीं देना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता, इतना कानून तो मुझे भी पता है। इधर मैंने दूसरी शादी की नहीं और मैं गया जेल। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आप बस बातें करते हैं, एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखिए। हमें एक काम करना होगा कि आपको इस्लाम कबूल करना होगा और फिर उसके लिए आपको सिर्फ नाम बदलना होगा। कबूल, तुम्हारे लिए ये भी कबूल। लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरा नया नाम रखोगे क्या? चांद से बढ़कर और कोई नाम हो सकता है भला? वाह, मैं चांद और तुम फिजा। प्यार के लिए उन्होंने अपना नाम बदला, धर्म बदला, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए गए और उनके पिता भजन लाल ने भी उन्हें अपने परिवार से बेदखल कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद इस मोहब्बत का अंजाम बहुत बुरा हुआ। करीब 1.5 साल अनुराधा और फिजा के साथ गुजारने के बाद उन्होंने टेलीफोन और SMS करके उन्हें तलाक दे दिया। इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब सन 2012 में फिजा की उनके घर में संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो जाने की खबर आई। लाश के पोस्टमार्टम से पता चला कि उसे जहर दिया गया था।
अब ये हत्या थी या आत्महत्या, इस सवाल का जवाब हरियाणा के वीआईपी कल्चर में कहीं खो गया था। चंद्रमोहन की लव स्टोरी, हरियाणा के गृह राज्य मंत्री कांडा की लस्ट स्टोरी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में ऐसी कई बड़ी घटनाएं घटी जिन्हें नहीं घटना चाहिए था। इन सब घटनाओं की वो कहानियां भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला के सरकार जाने की खास वजह प्रशासन से उनकी नाराजगी भी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला काफी सख्त प्रशासक रहे थे, लेकिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए तो उन्होंने अपना सारा कामकाज प्रशासन पर छोड़ दिया। सरकार को नुकसान तो इससे भी हुआ। सरकार का मुश्किलों से लड़ने का अपना एक तरीका होता है, उन्हें मैनेजमेंट की बात आसानी से समझ आती है, जबकि नेताओं को मजदूरों और किसानों की बात सुननी ही पड़ती है। यही वजह थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह के कुर्सी संभालते ही प्रशासन ने जो फैसले लिए उनमें से कई मजदूरों के हित में नहीं थे। पहले हीरो होंडा की हड़ताल हुई जिससे प्रशासन पूरी कड़ाई से पेश आया, फिर करनाल में लिबर्टी में भी हड़ताल हुई तो उसे भी प्रशासन ने पूरी ताकत से दबा दिया, लेकिन जब मानेसर में मारुति की हड़ताल में भी प्रशासन ने वही फॉर्मूला अपनाया तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। काश हुड्डा सरकार और प्रशासन ने पहले ही होने वाली घटनाओं का एहसास कर लिया होता। बात उन दिनों की है जब सन 2011 में मारुति के मानेसर प्लांट में इसके करीब 2000 वर्कर हड़ताल पर चले गए। पिछली कामयाबियों पर सवार हुड्डा सरकार और प्रशासन ने इस बार भी मजदूरों की आवाज को दबाने की कोशिश की। मजदूरों के घरों की बिजली काट दी गई, कंपनी के सुरक्षा गार्डों द्वारा उन्हें परेशान किया गया, कंपनी की कैंटीन को बंद कर दिया गया, लोगों को इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार का लेबर डिपार्टमेंट सिर्फ वही काम कर रहा था जो कंपनी का मैनेजमेंट चाहता था। ये क्या अम्मा, आज सब्जी ना बनाई तूने? घर में सब्जी ला के दी है के, और आटा भी आज ही तक का था, और वो दुकान वाला लाला है ना, उधार ना दे है। लाला की तो दे गाली, खूब गाली दे, रोक क्यों दी? और तो कुछ करने लायक रहा ना, या तो हड़ताल करवा लो या तो गाली दिलवा लो। अरे अम्मा, इब गाली ना बकूं तो के करूं? पहले तो सरकार ने जबरदस्ती हमारी जमीनें हड़प ली, और जो नौकरी मिली थी या पक्की करने को तैयार ही ना हो रहे। पहले तो बड़ा उछल रहा था जब सरकार ने हमारी जमीन ली थी, अब क्यों रो रहा है? मैं तो पहले ही कह रही थी कि जमीन हाथ से मत जाने दे, ना तेरा बाप सुना और ना किसी और ने। अरे बड़े बूढ़े ऐसे नहीं कह गए, ये धरती माँ जो है ना, हमारी माँ है, पेट भरती है हमारा। अरे अम्मा बस तू थोड़े दिन रुक जा, एक बार ये हड़ताल खत्म हो जाए तो मैनेजमेंट वालों को हमें पक्का करना ही पड़ेगा, और अम्मा पक्का होने के बाद तनख्वाहें सीधा दोगुनी हो जाएंगी। पता नहीं तब तक जीऊंगी या नहीं, तुझे दो रोटी तो खिलाई दूंगी, खाली पेट पता नहीं कब तक जीऊंगी। इससे कुछ दिनों के लिए तो मजदूरों की आवाज दब गई, लेकिन इसके एक साल बाद जो घटा वो बहुत बुरा था। मारुति के मानेसर प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई जिसमें एक मैनेजर की जलने से मृत्यु हो गई, और मैनेजर और करीब 40 अधिकारी इसमें घायल भी हो गए। कहा गया है कि हड़ताली मजदूरों के एक वर्ग ने ही इस प्लांट में ये आग लगाई थी। मजदूरों और मैनेजमेंट की लड़ाई का ये बहुत ही दुखद पहलू था। यूं तो अक्सर इस लड़ाई का शिकार मजदूर ही होता है, कभी मैनेजमेंट के इशारे पर वो अपनी नौकरी खो देता है, तो कभी फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने की वजह से वो हादसों का शिकार हो जाता है। खैर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में न तो हादसों की कोई कमी थी और न ही स्कैंडल्स की। इन्हीं में एक बड़े स्कैंडल से नाम जुड़ा हरियाणा सरकार के गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा का। गोपाल कांडा पर आरोप है कि वो काफी समय से अपनी एक कर्मचारी गीतिका शर्मा का शारीरिक शोषण कर रहे थे।
गीतिका ने जब उनके चंगुल से आजाद होने की कोशिश की तो उसे झूठे केस में फंसा दिया गया, जिसकी वजह से गीतिका को घुटने टेकने पड़े। लेकिन जब परेशानियां खत्म होने की बजाय बढ़ने लगी तो एक दिन गीतिका शर्मा ने आत्महत्या कर ली। मैं आज पूरी तरह टूटी हुई हूँ, धोखा खाने से दुखी हूँ, इसलिए अपने आप को ख़त्म कर रही हूँ। मेरी मौत के लिए अरुणा चड्ढा और गोपाल गोयल कांदा जिम्मेदार हैं। इन दोनों ने मेरा विश्वास तो तोड़ा है और अपने फ़ायदों के लिए मेरा गलत इस्तेमाल किया। उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी, अब मेरे परिवार को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणा और गोपाल गोयल धोखेबाज और गंदे लोग हैं। वो अपने फ़ायदों के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और बर्बाद कर सकते हैं। मैंने उन्हें कई बार माफ़ कर दिया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन वो हमारे सीधेपन और विश्वास का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे और मेरे परिवार के प्रति इन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए इन दोनों को इनके किए गलत कामों और इरादों की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, वही मेरे आज का जिम्मेदार है। इस घटना के बाद पहले तो हरियाणा सरकार अपने गृह राज्य मंत्री के साथ ही खड़ी नजर आई, लेकिन जब मीडिया का प्रेशर बढ़ा तो गोपाल कांडा को सरकार ने गृह राज्य मंत्री कुर्सी से हटा दिया और उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस भी रजिस्टर कर लिया। लेकिन इसके बावजूद गोपाल कांडा गीतिका के परिवार पर केस वापस लेने का दबाव डालते रहे, जिसके बाद एक दिन गीतिका की मां ने भी आत्महत्या कर ली। फिलहाल कांडा को अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है और केस की सुनवाई जारी है। अब ऐसा भी नहीं था कि सभी स्कैंडल्स और कॉन्ट्रोवर्सीज से हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं जुड़ा था। उन पर भी हरियाणा के बिल्डर लॉबी के लिए काम करने के खूब आरोप लगे थे, लेकिन किसी भी आरोप की जांच नहीं हुई। यहां तक कि जब राज्य के एक आईएएस अधिकारी खेमका ने रॉबर्ट वाड्रा के एक लैंड डील पर उंगली उठाई और इस डील में हुए घोटाले के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह की सरकार ने खुलकर रॉबर्ट वाड्रा का साथ दिया और बजाय इस लैंड डील की सही जांच कराने के इस अधिकारी के खिलाफ ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। आप निर्माण की बात कीजिएगा, आज आपने रॉबर्ट वाड्रा को और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए सारा हरियाणा लूट कर खड़ा कर दिया। कहीं कोई जमीन उपजाऊ और कीमती हो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार उसको दफा 4 और 6 के नोटिस दे देती, और जब वो बिल्डर को बेच देता है तो फिर वो नोटिस वापस हो जाता और उस बिल्डर को लाइसेंस देने के नाम पे 20% की इक्विटी फिर मुख्यमंत्री लेता है। ये फिक्स है हरियाणा में आज। तो एक कहीं एक इमेज कांग्रेस की बन रही है कि ये प्रो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो हुड्डा साहब जो हैं वो इंडिया के जो बिग कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। वैसे राजनीति में ऐसे खेल खेलना, ऐसी चालें चलना कोई नई बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने विरोधियों से निपटना अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने पावर में आते ही सबसे ज्यादा ध्यान इसी काम पर दिया था, लेकिन उनका तरीका ऐसा था कि कोई हरियाणा सरकार की तरफ उंगली भी ना उठाए और उनका काम भी बन जाए। क्या था चौधरी भूपेंद्र सिंह का यह तरीका? आखिर चौधरी भूपेंद्र सिंह ने राजनीति के बिसात पर अपनी ये चाल कैसे चली, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक।
हम बात कर रहे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कांग्रेस की तरफ जाट और किसानों के वोटों को खींच कर लाना, जिसके लिए उन्होंने किसानों को उनकी जमीन का काफी ऊंचा मुआवजा भी दिया और खास तौर पर उन जिलों पर ध्यान दिया जो शहरीकरण के हलचल से अभी दूर थे। अभी तक हरियाणा में हिसार, सिरसा, भिवानी जैसे जिले विकास के मामले में बाकी हिस्सों से आगे थे। सरकारी नौकरियां पाने में भी यही जिले आगे थे, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना पूरा ध्यान रोहतक, सोनीपत और ऐसे ही दो चार जिलों के विकास पर ही केंद्रित कर दिया। रोहतक में कहाँ विकास है, रोहतक के अंदर हालत ऐसी है, रोहतक के चारों तरफ इस तरह से सड़कों का जाल बिछा दिया और जाल बिछा करके उन सारी सड़कों के ऊपर टोल लगा दिए। रोहतक के लोग आज सबसे ज़्यादा परेशान और दुखी है। रोहतक में कोई आदमी जब रोहतक से बाहर जाता है तो टोल देना पड़ता है, और दोबारा रोहतक अपने घर में आता है तो फिर टोल देना पड़ता है। आज तो सारा दिन रोहतक के लोगों की जेब काटी जाती है। डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है तो रोहतक में हो रहा है ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मेवात रीजन है वो कहाँ है, बहादुरगढ़ रीजन है, वहाँ पे बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ है। लेकिन उनके कार्यकाल में उनके विरोधियों और खास तौर पर चौटाला परिवार के साथ जो हुआ उसके पीछे हरियाणा के एक वर्ग को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दिमाग ही नजर आता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 2005 में जैसे ही सत्ता से बाहर हुए, उन पर ही नहीं उनके परिवार और पार्टी के लोगों के खिलाफ कई तरह के नए केस दाखिल हो गए। सबसे पहले तो सरकार ने उन्हें अवैध संपत्ति के मामले में आरोपित कर उसकी जांच शुरू कर दी। इसके अलावा हरियाणा में जूनियर बेसिक टीचर की अवैध नौकरी का केस पहले से ही चल रहा था। इस केस में पहले न चौटाला परिवार के किसी सदस्य का नाम था और न ही इंडियन नेशनल लोक दल से जुड़े किसी भी बड़े नेता का। लेकिन जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में आई, सीबीआई ने कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें इस बार आरोप में ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, आईएनएलडी के अध्यक्ष शेर सिंह बरशानी और अधिकारी विद्याधर के नाम भी शामिल कर दिए गए। अपनी सरकार बनी जब इनकी हुड्डा साहब की, तो इन्होंने इधर देखा है ना इधर देखा, अपनी दुश्मनी बचाने के लिए चौटाला साहब के अगेंस्ट इंक्वायरी आप नहीं की, विजिलेंस ने नहीं की, सीबीआई को रेफर कर दी। हमने नौकरी दी थी, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम तो एक षड्यंत्र की सजा, षड्यंत्र के तहत आज एक सजा भुगत रहे हैं। हमें ऊपरी अदालतों पर पूरा भरोसा है कि हमें बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। अब इस केस में सीबीआई के आरोप सही हैं या गलत, फिलहाल ये मुद्दा देश की अदालत में चल रहा है, इसलिए अभी इस बारे में भी हमारा ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा भी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ एक केस और दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर सरकारी पद का दुरुपयोग कर दूसरों से उपहार लेने का आरोप है। इस केस को सुनहरी ईंट केस के नाम से जाना जाता है। जिन दिनों ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे उन दिनों कैथल के एक जर्नलिस्ट परमानंद ने उन्हें एक सोने की ईंट उपहार में दी थी। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की माने तो वो ईंट सोने की नहीं बल्कि ऐसे ही सुनहरी ईंट थी, जो कि उन्हें इंडियन नेशनल लोकदल का अध्यक्ष होने के नाते यादगार के तौर पर उपहार में दी गई थी, और यही बात कांग्रेस के मेमोरेंडम में भी कही गई थी। लेकिन बाद में उन पर जो आरोप लगा उसमें इस ईंट के सोने की होने का कहा गया था, जिसे 5,000 की वैल्यू से ज्यादा होने की वजह से सरकारी खजाने में जमा कराया जाना जरूरी था। अब परमानंद ने उन्हें सुनहरी ईंट दी थी या सोने की, वो ईंट किस हैसियत से उन्हें गिफ्ट की थी, इस बात का खुलासा तो वही कर सकते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी भी हत्या हो गई, जिसका आरोप उनके बेटे ने सीबीआई पर लगाया
और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि उनके पिता की हत्या किए जाने में सीबीआई की भूमिका की जांच की जाए। अब इस सीट की सच्चाई क्या है, फिलहाल इस मुद्दे पर भी जांच जारी है। इन सब केसों की वजह से इंडियन नेशनल लोकदल के सामने नेतृत्व की कमी तो हो ही गई है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ना तो कोई लाल है और ना ही हरियाणा का कोई पुराना नेता। लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं है, इनमें से कई चुनौतियां हरियाणा के सामने भी खड़ी हैं। क्या हरियाणा के नेता इन चुनौतियों से निपट पाएंगे? फिलहाल यशपाल शर्मा को दीजिए इजाजत, अल्पविदा।